हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई यू ऑल आर फाइन टूडे वी विल डू असेसमेंट वर्कशीट ट्वेल्व सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास टेंथ थोड़ी वर्कशीट आपको करनी है फिफ्टी नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को स्टूडेंट ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है ये आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट है आपके एग्जाम स्टूडेंट स्टार्ट होने वाले हैं फर्स्ट टर्म के तो अब आप आपकी नॉर्मल वर्कशीट नहीं आएगी आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट जिसको हम असेसमेंट वर्कशीट कहेंगे वही आएंगी और आज की इस वर्कशीट में देखिए आपका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस कवर हो जाएगा उसका रिवीजन जो कि अनसिन पैसेज आएगा और आपका लिटरेचर सेक्शन लिटरेचर सेक्शन में आपको पता है एक तो आरटीसी आता है रेफरेंस टू कंटेस्ट जिसको हम सीन पैसेज भी बोलते हैं और उसमें से क्या आते हैं एम क्यों आएँगे आपके फर्स्ट फ्लाइट से और आपके दूसरी बुक फुटप्रिंट्स प्रिंट्स विदाउट फिट से तो उनकी प्रैक्टिस वर्कशीट है ये तो आइए स्टार्ट करते हैं ये आपके असेसमेंट वर्कशीट ट्वेल्व फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये आपका फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन आएगा अनसिन पैसेज़ में नीचे पैसेज दे रखा है आपको उसे पढ़ना है और फिर एम से क्योंकि क्यों? आंसर देना है ये आपका पैसेज भी देखो क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही है आपका वन वीक का टाइम देखो कितना इंपॉर्टेंट टाइम था लेकिन पोल्यूशन की वजह से आपकी छुट्टी करनी पड़ी ये किस लिए पोल्यूशन भी हमारे क्लाइमेट का चेंज ही लगा लीजिए हमारे हर साल देखो ये प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है बीबीसी न्यूज़ का ही एक्सट्रैक्ट है बीबीसी बी होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो इंटरनेशनल लेवल पर है उसमें उसकी एक रिपोर्ट दे रखी है क्लाइमेट चेंज इज ए शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशन तो क्लाइमेट चेंज क्या है स्टूडेंट हमारा एवरेज वेदर कंडीशन के अंदर चेंज होना ही क्लाइमेट चेंज है क्लाइमेट बड़ी टर्म है हर रोज़ के मौसम को जो है हम ब्रॉड लेवल पे स्टडी करें तो वो क्लाइमेट होता है तो उसमें जो है शिफ्ट हो रहा है द रैपिड क्लाइमेट चेंज वी आर नाउ सीइंग इज सीइंगज्ड बाय हुमन्स यूजिंग ऑयल गैस एंड कोल फॉर देयर होम्स फैक्ट्रीज़ एंड ट्रांसपोर्ट जो हमारे क्लाइमेट में लगातार चेंज हो रहा है रेपिड चेंज हो रहा है वो किसके कारण इंसान जो है ऑयल यूज़ करते पेट्रोल की वजह से देखो दिल्ली में भी पोल्यूशन की मेन वजह पेट्रोल व्हीकल है इसीलिए तो ये आपके ऑफिसज़ बंद किए हैं गैस और कोयला जो हम घरों में यूज़ करते हैं फैक्ट्री में यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं वह दीज फोसिल फ्यूल्स बॉन्ड जब ये जीवाश्म ईंधन ये फोस्ल जो फ्यूल है ये जलता है दे रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड दीज गैसेज ट्रैप द सन्स हीट एंड कोज द प्लानट टेम्परेचर टू राइज ये गैसेज क्या है सी ओ टू क्या है ये जो सन की हीट है उनको ऑब्जर्व कर लेती है इससे हमारे प्लानट का टेम्परेचर बढ़ेगा द वर्ल्ड इज नाउ वार्मर देन इट वॉज इन द नाइनटीन सर्चरी सही संसार जो है गर्म होता जा रहा है पहले नाइनटीन सेंचुरी में इतना गर्म नहीं था एंड द अमाउंट ऑफ सी ओ टू इन द एटमोसफियर हैज़ राइज एंड बाई फिफ्टी परसेंट और हमारे एटमोसफेयर में सी ओ टू की अमाउंट फिफ्टी परसेंट तक राइज हो गई है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस थ्रेटनिंग लिवस एंड लाइवलीहुड्स जो ऐसी वेदर की कंडीशन है इससे हमारे जीवन को ही खतरा है विद मो विथ फर्दर वार्मिंग सम रीजन्स कुड बिकम अन इन हैबिटेबल अगर ऐसे ही गर्म होता गया ये अर्थ क्लाइम अर्थ प्लानट तो यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा एज़ फार्म लैंड टर्नस इन टू डेजर्ट और जो फार्म लैंड है वो डजर्ट में चेंज हो जाएंगी इन अदर रीजन्स द अपोजिट इज़ हैपनिंग और दूसरे रीजन में क्या होगा इसका अपोजिट होगा विद एक्सट्रीम रेनफॉल क्लोजिंग हिस्टोरिक फ्लडिंग जब ज़्यादा गर्माहट हो जाएगी तो वेपर ज़्यादा बनेंगे बारिश ज़्यादा आ जाएगी एज सीन रिसेंटली इन चाइना जर्मनी नीदरलैंड जो कि अभी चाइना जर्मनी नीदरलैंड में ऐसा हो भी रहा है जिससे क्या आएगी फ्लड वाली सिचुएशन हो जाएगी ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आएगी तो ये जो है कंसर्न था क्लाइमेट के ऊपर बीबीसी की रिपोर्ट थी अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ए क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग रैपिडली बिकॉज क्लाइमेट में चेंज आ रहे हैं लगातार क्यों आ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन बींग्स बर्न फोसिल फ्यूल्स टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स इंसान जो है फोस्टल फ्यूल जल जला रहा है फैक्ट्री और व्हीकल को चलाने के लिए बिल्कुल सही है ये ए भी सही है वहन बॉन्ड दीज फोसल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक सी ओ टू जब फोसल फ्यूल जलाते हैं तो इससे काफ़ी मात्रा में सी ओ टू निकलती है ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप द सन सीट एंड रीच द प्लान टेम्परेचर ग्रीन हाउस गैसेज से क्या होगा वो सूरज की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती है और प्लानट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं तीनों ऑप्शन सही हैं तो चौथा ऑप्शन क्या है देखिए डी ओल ऑफ द अबाउ ये ऊपर वाले सभी इसका कारण है तो ये बिल्कुल सही आंसर है ओल ऑफ द अबाउ सेकेंड क्वेश्चन है बी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर वन एंड टू वन एंड टू स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको बताना है कि कौन सा फिर ए बी सी डी ऑप्शन है सही आंसर है तो वन क्या है स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ सी ओ टू इन द एटमोसफियर हैज़ राइजन बाई फिफ्टी परसेंट ये पैसेज में आया है कि सी ओ टू की मात्रा फिफ्टी परसेंट तक बढ़ गई है एज ए रिजल्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर कूलर नहीं हो रहा होटर हो रहा है तो ये स्टेटमेंट गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ट्रू सेकेंड इज फॉल्स तो फर्स्ट ऑप्शन है वन इज़ फॉल्स एंड टू इज़ ट्रू जी नहीं उल्टा है ये वन फर्दर द मीनिंग ऑफ टू जी नहीं दो के मीनिंग को स्पष्ट करता है वन जी नहीं सी ऑप्शन बिल्कुल सही है टू इज़ फॉल्स एंड वन इज ट्रू दो गलत है और वन सही है तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन डी बी जी नहीं अब फो सी क्वेश्चन देखिए विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव इन जहाँ पर रहना संभव ना हो उसको क्या बोलते हैं अन इनहैबिटेबल बोलते हैं तो ए ऑप्शन है थ्रीटर्निंग जी नहीं वार्मिंग गर्म जी नहीं फ्लडिंग बाढ़ वाली सिचुएशन जी नहीं डी ऑप्शन सही है जहाँ पर रहना मुश्किल हो उसको हम कहते हैं अन ओके तो ये थी आपकी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर टू ये आपके ग्रामर सेक्शन की प्रैक्टिस है इसमें ग्रामर सेक्शन में लेटर राइटिंग आता है तो लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल डिटेल इन ए कंप्लेंट लेटर कंप्लेंट लेटर में Osionfish. हमें पता है कि जब हम किसी आइटम की कंप्लेंट करते हैं तो उस आइटम का नंबर कैश मेमो नंबर डेट ऑफ परचेज ये सारी ज़रूरत है तो किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वो बताना है आपको प्रोडक्ट नंबर की ज़रूरत होती है जी हाँ कैश मेमो नंबर की भी जरूरत होती है डेट ऑफ परचेज की भी होती है बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बार कोड तो रेट को डिसाइड करते हैं इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी कंप्लेंट लेटर में प्रोडक्ट कैश मेमो नंबर डेट पर चेंज लेकिन बार कोड की कोई जरूरत नहीं होती है अब क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए ये भी आपकी लेटर राइटिंग के ऊपर ही है वट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द बॉडी ऑफ ए लेटर टू द एडिटर जो बॉडी होती है जब एडिटर को लेटर लिखते हैं तो आपको पता है फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट सबसे पहले हम सेल्फ एड्रेस फिर एडिटर का एड्रेस फिर सल्यूटेशन फिर बॉडी तो इसने बॉडी के पार्ट्स पूछे हैं तो बॉडी में सबसे पहले क्या हम किस बात पे लिख रहे हैं लेटर वो डिटेल्स ऑफ द मैटर आता है कि क्या पर्पज है वो आता है फिर उस जो मैटर उसकी डिटेल आती है उसके बाद जो है हम क्या चाहते हैं एडिटर से कि वो जो कंक्लूजन होता है वो आता है तो इसमें देखिए क्या है सिक्वेंस डिटेल्स ऑफ द मैटर तो पहले तो पर्पज आता है फिर डिटेल आता है फिर कंक्लूजन नहीं कंक्लूजन लास्ट में आता है तो ये इनकरेक्ट है द पर्पज़ ऑफ़ राइटिंग द लेटर जी हाँ बिल्कुल शुरू में पर्पज़ लिखेंगे फिर डिटेल लिखेंगे और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है बॉडी हम इस तरीके से लिखेंगे सी भी नहीं कंक्लूजन पहले कभी भी नहीं कंक्लूजन तो लास्ट में लिखते हैं दी नी भी नहीं तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए ओनली ब्लैंक स्टूडेंट कुड सोल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम बहुत कम बच्चे गिवन टाइम में प्रॉब्लम को सोल्व कर सके तो कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे ए फ्यूव यूज करेंगे Few ना के बराबर एफ थोड़े से और दाफी मतलब जितने भी है उतने फ्यू में तो इसमें क्या आएगा ए फ्यू तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए हम क्वेश्चन नंबर फाइव है यू ब्लैंक लीव टाउन टिल द कल्परेट इज कोट तुम टाउन से नहीं जा सकते जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तो इसमें एबिलिटी वाली बात आ गई है कि नहीं जा सकते तो इसमें सुड नोट नहीं आएगा सुड नोट में तो डिवाइस देते हैं नीट नोट में आवश्यकता नहीं जी नहीं कैन नोट आएगा इसमें मे <Main> नोट भी नहीं आएगा तो इसमें आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कैन नोट तुम डाउन से नहीं जा सकते जब तक अपराधी को पकड़ा नहीं जाता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये देखिए ग्रामर सेक्शन में आपके रिपोर्टेड स्पीच भी आते हैं तो उसी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑप्शन डिस्प्ले इज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच तो इसमें ही सेड रेनू मेट हर कजेंस इन ए वेडिंग लास्ट वीक तो सबसे पहले हम कोटेशन मार्क्स को हटाते हैं तो हम कंजंक्शन यूज करते हैं सिंपल सेंटेंस है तो इसमें आएगी दैट ही सेड दैट रेनू फिर हम रेनू के बाद टेंस चेंज करेंगे इसमें क्या है पास्ट इन डेफिनेट है वर्पी सेकंड फॉर्म यूज है तो इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा मतलब मैट का क्या हो जाएगा हैड मैट अब हम ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट में ही सेट दैट रेनू मेट मैट का मैट ही रहा तो ये इनकरेक्ट है सेकेंड में ही एक्सक्लेम्ड दैट रेनू मेट ये भी रॉन्ग है क्योंकि एक्सक्लेम्ड तो कुछ हो नहीं रहा कोई फीलिंग वगैरह और मेट का इसमें भी मैट है तो ये नहीं हो सकता सी देखिए ही सेट दैट रेनू हैड मेट बिल्कुल सही है ये देखो टेंस भी इसमें चेंज हो गया फिर हमें देखना है कि लास्ट वीक किस में चेंज होगा प्रीवियस वीक में मैट हर कज़न्स इन ए वेडिंग द प्रीवियस वीक तो ये सी ऑप्शन बिल्कुल सही है ठीक है तो इसका आंसर है सी नेक्स्ट भी गलत है क्योंकि आस्को रीफ तो हो नहीं सकता क्योंकि आज तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते ये सिंपल सेंटेंस था रेनू मैटर तो डी भी नहीं इसका सही आंसर है सी क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये आपकी बुक से देखो पैसेज आता है एक्सट्रैक्ट आता है ना आर टी सी वाला ये आपका हैंड्र ड्रेसेज वाले चैप्टर से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट तो आइए पढ़ते हैं इसको सी हैड टू फाइंड वोंडा पैट्रॉन्स की वो वोंडा पैट्रॉन्स मिलना चाहती थी उसको ढूंढना चाहती थी मे बी सी हैड नोट यू वो, वो अब हो सकता है शायद वो नहीं गई हो वोंडा वहाँ से बोगिन हाइट से मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर पैगी भी उसके साथ जो है बोगिन हाइट पर चलेगी एंड दे वो टेल वोंडा और वो वोंडा तो, को बताएंगे सी हैड वन द कंटेस्ट कि उसने प्रतियोगिता जीत ली थी दैट दे थोट्स ये वर स्मार्ट और वो सोचते हैं कि वो स्मार्ट है वोंडा एंड हैंडल ड्रेसिस वर ब्यूटीफुल और उसकी सारी हैंडल रेसिस बड़ी सुंदर तो आप देखिए इसके ऊपर आर के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन ए है वाई डिड मैडी वॉन्ट टू फाइंड वोंडा की मैडी वोंडा की को क्यों ढूंढना चाहती थी क्यों ढूंढना चाहती थी उसको ये बताने के लिए कि उसने कंपटीशन जीत लिया है कंग्रेचुलेसन देने के लिए कि वो हर्ट इसलिए तो टू हर्ट हर फीलिंग्स उसको दुख पहुँचाना चाहती थी जी नहीं टू टीच हर अबाउट द हंड्रेड ड्रेसेज उसका मजाक उड़ाने के लिए हंड्रेड ड्रेसेज के बारे में जी नहीं टू कॉन्ग्रेचुलेट सी ऑप्शन बिल्कुल सही है उसको बधाई देने के लिए कि उसने विनिंग वो ड्राइंग कंपटीशन जीत लिया है नन ऑफ दी अबाउ भी इनकरेक्ट है तो इसका सी आंसर है उसको बधाई देने के लिए पैगी और मैडी उससे मिलना चाहती थी वोंडा की से बी देखिए सेलेक्ट द वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब वोंडा की। वोंडा की को कौन से वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वोंडा क्वाइट थी जी नहीं क्वाइट नहीं थी राउडी राउडी मतलब घमंडी भी नहीं थी असर्टिव भी नहीं थी स्मार्ट थी वोंडा आर्टिस्टिक भी थी क्वाइट भी थी शांत रहती थी वैसे वो क्वाइट भी थी मिसचिवियस शरारती बिल्कुल भी नहीं थी तो अब देखते हैं ऑप्शंस में वन फाइफ एंड सिक्स नो वन फाइफ एंड सिक्स शरारती नहीं थी तो ए ऑप्शन तो है इसका इनकरेक्ट आगे देखते हैं Yes. देखते हैं अब हम यस yes. तो देखो गोंडा क्या थी हमारे क्या था क्वाइट थी वो बिल्कुल थी आर्टिस्टिक थी और स्मार्ट थी तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन वन ए ऑप्शन है वन फाइव एंड सिक्स जी नहीं टू एंड फोर बिल्कुल भी नहीं राउडी तो थी नहीं सी देखी थ्री एंड फोरथ थ्री के असर्टिव और फिफ्थ के मिस आर्टिस्टिक तो वो असर्टिव नहीं थी कि किसी की बात को तुरंत मान ले डी ऑप्शन बिल्कुल सही है वो स्क्वाइट रहती थी शांत रहती थी स्मार्ट भी थी और आर्टिस्टिक भी थी तभी तो इतनी हंड्रेड ड्रेसेज आर्टिस्टिक कैसे थी क्योंकि उसने हंड्रेड ड्रेसेज कितनी सुंदर सुंदर बनाई थी तो वो आर्टिस्टिक थी तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है अब क्वेश्चन नंबर एट देखिए लंचोज फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाई लंचो के फील्ड किससे तबाह हो गए थे हेल स्टॉम से हो गए थे ना ओलो से हेल स्टॉम से तो ऑप्शन देखिए गैल् जी नहीं हेल स्टोन्स बिल्कुल सही है ओलो से हो गए थे टोर्नेडो से भी नहीं हरिकेन से भी नहीं क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉयज थॉट दैट मैच विद द लाइन जो बच्चे की थोट नीचे एक स्टेटमेंट दे रखी है थोट दे रखी है वो थोट किससे मैचिंग करती है उसका क्या मीनिंग है आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए जैसे इसमें दे रखा है एज ही स्टैंड रीज इट ट्रेवलिंग डाउन वो खड़ा था रिजिट खड़ा था डर रहा था घूर कर देख रहा था तो इसमें इस, इस थॉट को क्या मीनिंग है आई वंडर हाउ आई कैन रिट्रीव द बोल आई गैस आई विल नीड हेल्प जी नहीं गुड रिडेंस नाउ आई कैन गेट ए न्यू वन आई हैव बीन वेटिंग फॉर अब मुझे नई बोल मिलेगी इसलिए वो जी नहीं आई थिंक आई कैन कैच इट इफ आई रन थ्रू दिस एली आई मस्ट कट इट बिफोर इट फॉल्स इन टू द हार्बर जी नहीं ये आपकी बोल पोएम से है ये कि उसमें वो बच्चा जिसकी बोल गुम हो गई थी उसके दिमाग में क्या ओ आई हैव लॉस्ट इट इट इज़ गॉन ये फोर्थ बिल्कुल सही है उसमें बच्चा यही तो सार आई हैव लॉस्ट इट मैंने इसे गुम कर दिया बोल को इट इज़ गॉन ये जा चुकी है इट इज़ ग फोर सदा के लिए जा चुकी इसलिए वो रिजिट हो गया था दैट वॉज ऑल द टाइम आई हैड विद इट दैट टाइम इज़ ओवर तो आपको स्टूडेंट ये चैप्टर से ही आपकी पोएम्स से हैं बोल से उसमें उस बच्चे की बोल लॉस्ट हो गई थी ना तभी तो वो रिजिट हो गया था डर के मारे वो काँप रहा था घूर कर देख रहा था तो इसमें फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ऑप्शन वन जी नहीं बी भी नहीं ऑप्शन टू भी नहीं ऑप्शन थ्री ऑप्शन फोर बिल्कुल सही है डी अब लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर टेन अकॉर्डिंग टू द पोइट वट इज़ द चाइल्ड लर्निंग इन द बोल पोएम पॉइंट के अनुसार बच्चा जो है बोल पोएम में क्या सीख रहा था तो देखो स्टूडेंट आपने देखा इंग्लिश में एम सी क्यू आने से पेपर ऐसा नहीं है कि आसान हो गया लेकिन अगर आपका कंसेप्ट समझ में आ गया तो बिल्कुल ईजी हो जाता है तो फर्स्ट टू बी लॉस यस लॉस को सहन करना उसने सीखा था बोल पोएम में टू टेक केयर ऑफ थिंग्स अपने चीज़ों की टेक केयर करना टू बी इिस्पॉन्सिबल ये नहीं सीखा इिस्पॉन्सिबल होने के बाद थीम नहीं था उस पोएम का था रिस्पॉन्सिबल बनाना बल्कि तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बोथ ए एंड बी उसमें बच्चे ने लॉस को सहन करना और चीज़ों को ध्यान से रखना ये बातें सीखी थी तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है बोथ ए एंड बी तो ये थी आपकी रिवीजन वर्कशीट थी स्टूडेंट अब आप आपका रिवीजन चल रहा है तो ये प्रैक्टिस वर्कशीट थी तो आई होप आपका ये समझ में आ गई होगी वर्कशीट आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाइए तो आपके नंबर बड़े अच्छे आएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे